अंदर यूनिफॉर्म होती कि डाल तो खयाला नाश्ते खयाली और खयाली ना है। हेलो नमस्ते, राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं, देखिए वो वाला गांव है मथाणा, तो वहां जाने की सोच रहे हैं। उसके नीचे है रिंगवाड़ी ये वाला, और सामने बमोली और गजीरा। तो ये ऊपर वाली रोड जाती है जो पनखेत ब्लॉक वाली, तो वहाँ आगे है मथाणा गाँव, तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं आज। फिलहाल अभी हम ये पनखेत वाली रोड है जो ब्लॉक ऑफिस के लिए जाती है, और अभी ये मथाणा ग्वार के लिए जा रही है आगे रोड। वो रहा हमारा गांव पांथर। सामने देखिए ये रहा मथाणा गांव जो पड़ता है हमारे एकेश्वर ब्लॉक में और पट्टी रिंगवाड़चू में, और विधानसभा क्षेत्र एज यूजुअल चौबट्टा खाल। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं मथाणा। तो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं मथाणा गांव के कि हमारे गाँव का ब्लॉग बनाना। तो देखते हैं वो लोग हमें गाँव में मिलते हैं या नहीं। और सामने सटा हुआ है नीचे देखिए रिंगवाड़ी, तो दोनों बिल्कुल आसपास है और काफ़ी बड़े गांव हैं मथाणा का। अगर मैं पॉपुलेशन मतलब परिवारों की बात करूं तो लगभग 100-110 परिवार रहते होंगे यहां मतलब। लेकिन देखते हैं वहां प्लान हुआ है या नहीं। तो चलिए चलते हैं मथाणा गांव में। तो पहुंच चुके हैं हम मथाणा गांव में, और ये देखिए ये मेन इंट्रेस है मथाणा गाँव का, ये देखिए आदर्श गाँव मथाणा। तो यहाँ से गाँव शुरू होता है, तो चलिए चलते हैं अंदर। और आगे देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़, अमीली डांडा वाली रेंज है। सामने रहा धरासू गाँव, और उधर ही आ गया हमारा गांव पांथर। तो यहां से मथाणा गांव शुरू हो जाता है। ये देखिए मथाणा गांव के कुछ मकान रास्ते के ऊपर हैं और कुछ मकान यहाँ हैं। तो काफ़ी बड़ा गांव है वैसे, एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं, लगभग ये मान के चलिए आप 100 से ज़्यादा परिवार रहते होंगे यहां पे कभी। तो देखते हैं अगर कोई मिलेगा तो बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। तो गाइस, पानी की काफ़ी समस्या होती है मथाणा में। बेसिकली हम इस टाइम पे आते हैं जब लोग सारे लोग कामकाज में व्यस्त होते हैं, कोई खेतीबाड़ी के काम में, कोई जंगल गाय लेके। दोस्तों अभी मैं ऊपर खेत में आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग कामकाज कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देवी चा। अच्छा। और मेरा गांव मथाणा चा। और क्या बनता बाबा कदा कदा का परिवार क्या क्या 84-85 परिवार था हमारे गांव में। अच्छा। और अब पलायन हुए के हमारे गांव में कुल 73 मौस रही छ। 73 है जी परिवार। हां, पलायन जरे सी दुई 10-11 मौस सब झगड़ जानी छी। नहीं भाई, बहुत ज्यादा हुई से पहले, मतलब अब हमर छैन ना पहले तो पहले के वाया। अच्छा। पर हमर छैन बटे हुन छ में। अरे पानी पुणे है या मथण में? पानी तो फिलहाल आजकल तो बस करे पानी सब झगड़। पर रुड़िया नी छ। अच्छा। रुड़िया नी छ। अच्छा। कुछ बकाड़े सा से था कुछ मथाणा के बानो विशेष बतावे थे बाकी बुन मथाणा जो अलग वाल विशेष के या चाहे तुम पहले वो बांध रखा हो पे हम कना छो बोला। पर हमार ये बांध बांध रखा हो पे कुछ नहीं रखना छी कुछ भीतरों सारे आना से बाहर लेके रोटा मोटा सब। अच्छा। हां तुम्हें तो स्वाद रोटा बनाना वेला। हां चूना चूना का टिकट लून लगा के लून लगा के चूना का टिकट सरकार बोल बांध तुम परवा आ चल भूमि मंदिर हमारे सबसे सोना महीना हर सोमवार कीर्तन कर दो। अच्छा। और अगले सोमवार तुम ब्याह जाए कीर्तन में ठीक है। और सब खुश मंगल सब। हाँ सब पानी बस बस पानी बाकी हमारे बांदर बूंदर तो सब जगह थी। सुंगर 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 भी छई छी है। सुंगर तो बाद में दिखा ला जब बलड़ा आला तब एक बाद नहीं हुआ बनिया। अच्छा अच्छा। कुछ आवा अभी आपने सुना कि सभी लोगों की यही परेशानी है कि वो खेतीबाड़ी सारे करते हैं, मेहनत मजदूरी सारे लोग करते हैं, लेकिन बंदर और सुअर उनकी मेहनत को बर्बाद कर देता है। और यहाँ थोड़ी बहुत गर्मियों के टाइम पे पानी की मतलब है थोड़ी सी किल्लत। तो चलिए आगे गांव में जाते हैं। ये बिल्कुल नए नए मकान बने हैं अभी गाँव में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्लान काफ़ी कम हुआ है वैसे, देखिए क्योंकि सारे नए नए मकान से लग रहे हैं। ये देखिए बंदरों ने नाशपाती बिल्कुल।
तो गाइस ये देखिए एक ख्वाल सा लग रहा है, ख्वाल मतलब जहाँ पे बहुत सारे मकान एक सामने हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि सारे लोग इस टाइम पे अपने खेतों में होते हैं। आज हम आए हैं मथाणा गांव में और हमें वर्ड जी मिले हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं, तो थोड़ी बहुत इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या काम काज हो रहा है और क्या क्या होता है मथाणा गांव में। तो थोड़ा इनसे पूछते हैं। मेरा नाम अरविंद सिंह। अरविंद सिंह, वर्ड जरा बताओ दी गाँव का। अरे गाँव का हाल समाचार के बताइए भाई। बांदर भगा भगा के परेशान था अच्छा। एक तरफ बड़े बांदर काम थे, एक तरफ सुंगर लगे थी। गाँव घर गाँव में कोई लोग नहीं जी, भगाना नहीं जी अच्छा। है ना, ये परेशानी ज़्यादा हुई बाइक की। क्या था पानी पुणी? पानी तो फिलहाल अभी ठीक ही चल रहा था, बरसात लगी था, गर्मी पड़ ली तो दर्द एक आध महीना परेशानी होती है। कल मोमोस थी ना एक जी, मतलब 70 एक मोमोस करीबन थे। पलायन? पलायन तो वैसे ज़्यादा डबल थी, मतलब पहले 140 से हाँ 150 मोमोस रहो। हाँ 150 मोमोस, अब 70 रह गए तो पलायन हुआ मतलब। हाँ अच्छा, कूड़ा तो लंबा चौड़ा बनाया थे लोगों घर छोड़ के चले। सब छुड़िया जी दिखाने दिखाना ही तो घर में होना चाहिए। बस 2 महीने को, 1 महीना को, 1 महीना को। ठीक ठीक, क्या क्या करना है? जो खेत में आ जाओ, खेत में आ जाना सब पुंगड़ा पटाना सब। हां सुंगुर बांध रखना घोड़े वा अच्छा। अब तुम लोग तो कोई वो करुण छे नहीं छे करुण दाम सुंगुर बाल देंगे। तुम सुंगुर ने क्या करण? तुम सुंगुर बांध रो थोड़ा तो कुछ करे तो तब इनसे खेत बाड़ी में तो कुछ उपाय मिला लो। मिलनो ना उपाय? हां बाकी तो बोलो क्या आता उसे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, ये कभी भूल जा तुम। अभी आपकी बातचीत कराई वार्ड जी से और सब लोगों का वही कहना है कि सुअर और बंदरों से बहुत परेशान है लोग। तो काफ़ी कड़ा गांव है और प्लान भी हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि पहले इसमें लगभग 140-150 परिवार रहते होंगे और अभी के टाइम पे यहाँ 70 एक परिवार रहते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पलायन भी हुआ है और अभी हम जा रहे हैं नीचे गांव में। तो काफ़ी बड़ा गांव है ये, देखिए इधर से आ गए हम। तो गाइस आज हम आए हैं मथाणा गांव में जो पड़ता है एकेश्वर ब्लॉक में और पट्टी है रिंगवाड़स्यू और नौखाल मार्केट से इसकी दूरी होगी लगभग 3-4 किलोमीटर। तो गाइस देखिए कुछ एक मकान आपको हर जगह खाली और खंडर से मिल जाएंगे। तो उत्तराखंड में बस यही हाल है, हर जगह पलायन होता है क्योंकि एक तो रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत सारी दिक्कतें हैं उत्तराखंड में। तो काफ़ी बड़ा गांव है और ये देखिए तो पलायन की मार उत्तराखंड में आपको हर जगह दिख जाएगी। ये देखिए तो गाइस यहाँ पे एंडिंग है मतलब गांव की इस साइड से, अब हमें नीचे जाना पड़ेगा, इसी रास्ते नीचे जाना है अभी। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो इस वाले ख्वाल में भी हम आ गए होके और इस साइड से आए हैं ऊपर से। तो अभी हम ये नीचे वाला पार्ट है जो गांव का वहाँ जाते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे तक है गाँव फैला हुआ। देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ी मकान है। तो गाइस एक तिवरी वहाँ पे है, उस तिवरी में जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर मकान है और मतलब सांस्कृतिक पहाड़ी ट्रेडिशनल तिवरी। तो मैंने आपको बहुत सारे गांव में तिवरी दिखाई हैं, तो लगभग पहाड़ों में हर जगह पहले ऐसे ही मकान बनाए जाते थे जिन पे 3 दरवाजे होते थे और इसे लोकल लैंग्वेज में तिवरी बोलते हैं। ये देखिए
तो हर जगह तिवरियों के यही हाल हैं, सारे खंडर हो गए हैं ये देखिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि पलायन काफ़ी हुआ है यहाँ भी। ये देखिए बहुत सारे मकान खंडर हो गए हैं। काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी नीचे आ गए हम और अभी काफ़ी नीचे तक यहाँ मकान दिख रहे हैं। तो जी अपन शुभ नाम मेरा नाम जैकिला तिन्ने जी। तो बाड़ जी जरा बताओ गांव खालो के क्या आज क्या होने के बांदर सब एक अफालो उलचलो की लो जो हां वे बजर कुरमन लगनी चलो चोरी की ले जानो। अच्छा परसमिल टोन बनो दरे गुजारम हां हां जे टोन बनो गैस बंद करना हो तब वे सब टोन मतलब जंगली जानवर से परेशान छ हैं। हां अच्छा और मो सुंगर सुंगर मो मो से कद गच छाए बाड़ जी परिवार पे ये चाय पहली सो सो बो मतलब। हाँ अच्छा पलायन अब जिन पलायन करी की 65-68 मतलब आधा गांव तो उन चल गया चल गया। अच्छा वह कारण था रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य तुम जन ले जाए। हाँ जन पहाड़ मार जगह से। अच्छा बाकी पानी की समस्या भी छह जने एक जरे पानी बहुत ज्यादा था गर्मियों पानी गर्मी में 4 भांडा 3 भांडा इन मिल गए हमसे। अच्छा वो भी सरकार उत्तरकाशी बटे चमोली बटे टिहरी बटे लड़का लोग छपड़ा ने नहीं हमारे पे कोशिश ही रहन की जरा हम भी मतलब गाँव खोल हम जाके कि जरे के पता कोई एथर तक कुछ भेजा का भी कुछ कोई सॉल्यूशन भेजा बेरोजगारी था। हां अब कुछ नहीं हां वो भी खैर छै और खाना बना बैठ गए बूढ़ी। हां बाबा हम पकाऊं बढ़िया खा के देला ना ना चल ले ग्वार जान जरा अभी ग्वार नहीं जाए तुम ना ना पहले मोलन माथन बैठा सब ग्वार जोला। तो अभी काफी बड़ा गांव है और काफी नीचे जाना है ये देखिए। और जिससे भी बातचीत हो रही है सभी लोगों का यही कहना है कि जंगली जानवरों से परेशान है वो बंदर और सूअर मोस्टली। और गाइस ये देखिए बंदर दिन दहाड़े आ गए खेतों में। तो बंदरों से काफ़ी परेशान हैं लोग। तो ये देखिए बहुत नीचे आ गए हम काफ़ी ऊपर से आए हैं वो देखिए वहाँ गए थे हम। बहुत नीचे है और काफ़ी फैला हुआ है गांव, काफ़ी नीचे आ गए हम तो शायद से लास्ट मकान होंगे गांव के कुछ। ये मकान भी खाली है और बहुत सारे मकान ऐसे मिल रहे हैं जहाँ कोई नहीं है और डॉगी यहाँ भी है देखिए। तो शायद से हम गांव के लास्ट पार्ट में पहुँच चुके हैं। तो अब ऐसा करते हैं ऊपर जाते हैं। बोड़ी मैं दगज गाँव तो गाइस बोड़ी जी से पूछते हैं वो भी काफ़ी परेशान लग रही हैं बंदरों से। खेती बाड़ का शुभ नाम क्या तुम्हारो
आग के लगाए खेत पर। नाम क्या बुढ़ जी आपको? मेरा नाम सत्य सुदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। और के होना चाह? सब स्वास्थ्य पाए ठीक चा? स्वास्थ्य पाए भी नहीं रहने ठीक है। अच्छा चसक भी चसक है चसक सभी ऊपर पहाड़ों में। हाँ काम काज कर करेगी? काम काज में है बड़े पौड़ी के हुआ पौड़ी की। हाँ ये पसंद करना पौड़ दम। अच्छा ये ऊनी वाले मतलब टेम्परेरी ये हो गया ना कि सरल भारी हो गया। अच्छा और गांव खा लो कुछ? गांव खा का लोग भाग नहीं रह गया चार मोच है ना। हाँ। बाकी सब को तन से पूरी। अच्छा चार भाई से सब उड़ से। अच्छा कोच बाबा कोई नहीं रिया चार भाई से ताला ले गया जी ये गिर गया मतलब बिजा लोग चल गए उन दो है। हां बंदे चल गए। अच्छा पर हम का जाना ना कोई वानी अगर सब चल जाला तो ये कह रहना डुटेलो रहे तब एक बार एक मैच ना तो डुटेलो ला जाने का अगर तुम चल जाए जाने नहीं देना हम जब तक हम जिंदा तो वही तो ना तब हमरो वाला घरम तक दुनिया घरम टूटा है हम बाल ध्यान दे रहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद मेहनत करते जाओ सब हो जाता है। हां बाबा मेहनत से लगे आ छे मुगलो पाले लेके ना एकदम मार होया छे अब बड़ी बड़ी पूछ रहे जे। चलो बूढ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। ना 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 ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चल दो चल गाँव फोन घूम दो और है ना। ठीक जी बूढ़ी राम राम है। आका जिला ठीक ठीक पूरे गांव में बंदरों की दहशत है। देखिए अभी भी लोग बाग सारे लोग बंदर भगा रहे हैं बस सारा अपना काम काज छोड़ के बंदरों के पीछे लग जाते हैं लोग क्योंकि वो सारी जो फसल देखे हम नष्ट कर देते हैं। मथाना में वैसे पानी की बहुत दिक्कत है लेकिन आजकल बरसात का पानी आ रहा देखिए बरसात है पानी बना चाहिए लोग जगह तो देखिए यहाँ से काफ़ी ऊपर है गांव अब तो गाइस देखिए कुछ एक मकान यहाँ भी हैं तो हर जगह जाना संभव नहीं है इसलिए हम यहाँ से वापस जाएंगे भी। चल चल तो गाइस सारे लोग परेशान हैं बंदरों से। आजकल अखरोट का सीज़न है आम का सीज़न है तो वो सारी चीज़ें तोड़ के ले जा रहा है। ये देखिए अभी भी छत में बैठा है तो नाशपाती अखरोट वगैरह सब कुछ वो ले जा रहा है तो काफ़ी परेशान है मथाना गांव के लोग बंदरों से। यहाँ से देखिए कुछ एक मकान यहाँ से दिख जाते हैं बांदर ही बांदर कह सुन तुम सांडा सांड भी नहीं था लावारिस जानवर लावर से सांड भी एक बार छोड़ चुका अब वो था अब बिलो कम लेती ना अब बिलो कम बड़ी वो हमारे कहाँ छोड़ दी थी मतान कोई एक मतान फ्री हुई हो जा आज बड़े आ रहा ना गोरु तब उन 1000 रुपए डंड लिए कंडे लगाए हूँ गोरु पर कंडे लगाए हूँ फर्की लग गोरु फर्की लगा हाँ वो फर्क लगो ना घर दोनों फर्क गोरु का सरकार है कमीज भाजा सरकार है कमीज जा सरकार है कमीज जवान जवान लौड़ा दुआल डूंगा कर नहीं बगदो ना लोग गलती है देसी चौमिन क्या मोमोज क्या खाना चाहिए ला के जंगली जानवर से परेशान थी लोग बहुत सारे लड़के मिले मुझे मथाना गांव के। और ऊपर देखिए आप वार्ड जी के कितने फूल लगा रखे हैं क्यों नहीं वाला आशी अग्रिमीर तैयार हो तैयार है क्या तैयारी चा ठीक है अग्रिमीर ठीक चा अब वो चेंज तो है नहीं सकता अच्छा ठीक है साहब बढ़िया है मतलब बहुत अग्निवीर जंगली मशरूम कक बड़लो अरे जंगली मशरूम वो बड़लो मेरी दुई बानी मशरूम नहीं कक बड़े पण खेत जंगो भटे कक बड़े इन रे ना ये बप्पा तुम तो खूब लयो गाइस ये देखिए तो आज तक मैंने आपको
बंजा च्यू, हल्दिया च्यू, बहुत सारे च्यू दिखाई, लेकिन ये वाले देखिए क्या बोल दिए को, क्या बोल दिए को तुम, पिरुला च्यू थोड़ा जो ये क्यों सिंगन और बुआ जी बोल रहे हैं कि मथाना की रोड खराब हो गई है, तो मैं रास्ते टाइम जाते टाइम उसे दिखा दूंगा, ठीक है। इसके जानमाल का खतरा हो रखा है, बढ़िया बढ़िया, हम इसकी आंदोलन करेंगे अगर इस साल में नहीं बने तो, ठीक ठीक। हाँ क्यों बुआ जी, बकरे चला के आ गए हम नीचे मथाना गांव से ऊपर, और काफ़ी बड़ा गांव है और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और काफ़ी मतलब अच्छे लोग थे, हंसी मजाक वाले, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि पहाड़ों में जैसे मैं बहुत बार बोलता कि थोड़े से साई नेचर वाले लोग होते हैं, लेकिन मथाना गांव में ऐसा लगा कि सारे लोग बढ़िया थे, मतलब अच्छे से सभी लोगों ने बातचीत की और काफ़ी जानकारी शेयर की। ऐसे तो बहुत सारी समस्याएँ हैं लोगों की, लेकिन मथाना गाँव में जो मेनली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो पानी की है, देखिए हर जगह आपको हैंडपम्प नज़र आएंगे, और उनकी रोड के भी बुरे हाल हो गए हैं, और बंदर और जंगली जानवर से काफ़ी परेशान है मथाना गाँव के लोग। लेकिन गांव काफ़ी बड़ा है, लोग भाग भी हैं गांव में, वैसे तो पहले लगभग 110, 100, 140 तक परिवार बता रहे हैं, और अभी करंटली 60-70 परिवार हैं, प्लान भी हुआ है, लेकिन मतलब काफ़ी बड़ा गाँव है तो लोग भाग हैं। और ये देखिए ये विश्राम गृह है, अभी हम आए हैं, ये देखिए भूमिया का मंदिर है, तो ये मथाना वालों के कुल देवता हैं और उनके ग्राम देवता है भूमिया का मंदिर, और काफ़ी फेमस नाम है, मतलब हमारे गांव साइड भी मतलब भूमिया की धार काफ़ी फेमस है, काफ़ी हाइट में है, और ये देखिए बहुत ही भव्य मंदिर बना रखा है लोगों ने मथाना वालों का, देखिए। और सामने ही प्राथमिक विद्यालय भूमिया भी है, तो यहाँ मथाना गाँव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो देखिए काफ़ी टॉप में है, और देखिए ग्राउंड भी है, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट वॉलीबॉल वगैरह खेलते होंगे, और देखिए टीन सेट भी लगा रखा है बैठने के लिए। छोटे बच्चे मिले हैं और ये यहीं पे पढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालय भूमिया, ये सामने देखिए। आवधि मथ्यावधि कखा छो तुम ग्वाड बढ़े की अकेला तो कोई नहीं आन तुम दगड़ा ना कद का दूर चुगवाड़ है 500 मीटर 500 मीटर है हाँ। नाम बताओ अपना है तो बताओ तू अंश अंश भी देवान अक्षिता प्रिंस भी अच्छा एप्पल फोन मजा आ स्कूल में और एप्पल फोन है आपके पास तो हाँ तुम्हारे कौन सा मिनिचा तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।